बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रांड न्यू वीडियो के साथ हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और अभी हम सुबह सुबह आज हमारा प्लान बनाया कि सुबह एक्चुअली आज जुमा है और सुबह हमने फजर की नमाज पढ़ के अब हम बाहर निकल आए हैं। थोड़ा सा समंदर सनराइज हो रहा है और अभी थोड़ी देर में हम समंदर में पहुंच जाएंगे, वहां जाके फिर हम आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। कुछ लोग वॉक कर रहे हैं और बस लोगों को भी यही है कि लॉकडाउन ख़त्म हो और हम अपनी रूटीन में आए। बिल्कुल, ज़ाहरी बात है कि ऑलमोस्ट 4 मंथ से बिल्कुल, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन कीजिए, सुबह के टाइम बाहर आकर और ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के बाद हम लोग आए हैं। और मुझे तो, मैं तो भूल ही गई थी कि यहाँ पे समंदर भी है कुवैत में। और बहुत अच्छा लग रहा है, एक पीसफुल सा। जिसको आपको कैसा लग रहा है बाहर आके? बहुत अच्छा। कितने दिनों बाद आप आ रहे हैं? कितने महीनों बाद? 4 महीने बाद? 3 महीने बाद? फरवरी से हम लोग घर हैं। 7 महीने बाद हम लोग फरवरी से घर थे। और बिल्कुल ही, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे हैं, इस वजह से हमने बिल्कुल अवॉइड किया है कि हम लोग बाहर जाएं बिला ज़रूरत, और सिर्फ ग्रोसरी के लिए हम गए हैं। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा, यानी कि हाँ, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर अक्सर लोगों का। और अभी भी मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोग आए हैं, वैसे वॉक के लिए आते हैं, सुबह ताज़ा हवा के लिए आते हैं। और यहाँ बड़ा अच्छा एक पॉइंट है बैठने के लिए। पहले यहाँ पर हम लोग बारबेक्यू भी करते थे, बारबेक्यू तो अभी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है ऐसे, यानी सी साइड पॉइंट्स पे। लेकिन बच्चों के खेलने के लिए, नहाने के लिए और बैठ के एंजॉय करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर। तो बच्चे इतने एक्साइटेड थे, ये खूबसूरत मंजर, बिल्डिंग्स के पीछे से सनराइज हो रहा है, सुभान अल्लाह, और बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि वो रात को सो ही नहीं रहे थे कि हम लोग सुबह वॉक के लिए जा रहे हैं, हम लोग समंदर पे जाएंगे, यानी उनकी एक्साइटमेंट का। वैसे भी सोया भी नहीं। हाँ, यूसुफ तो बिल्कुल नहीं सोया। जी सही कह रहे हैं, 3 घंटे थे हमारे पापा, मैं 3 घंटे उठा रहा था। हाँ जी, अहमद थोड़ी देर सोए हैं, इब्राहिम सोए हैं। देखिए जी, अभी हम बस गाड़ी पार्क करके आपको आर सो गया। जी हाँ, फार भी नहीं सोया आप तो। चले जी, हमारी मंजिल आ गई है तो अभी आगे जाके आपसे मुलाकात होगी। जी व्यूअर्स, अभी हम सी साइड पे आ चुके हैं और बहुत ही प्यारा मंजर है। सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 5 बजे। जी 5 बजे का टाइम है। अच्छा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा वेदर होगा और हवा भी बहुत, यानी फ्रेश और हाँ, लग रही है। बहुत अच्छी ठंडी हवा है। वैसे तो आजकल जो कुवैत का टेम्परेचर जा रहा है वो 46-47 पे है, लेकिन मॉर्निंग में अभी इस वक्त मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 20 या 18 तक होगा, यानी कि हवा ठंडी है। और ये तकरीबन 1 घंटे तक ये भी गर्म हो जाएगी, क्योंकि अभी सूरज तब तक हम घर चले जाएंगे और सूरज बाहर आ चुका है और ये अपना काम दिखाना शुरू कर दिया उसने। आहिस्ता आहिस्ता गर्मी जी, और इब्राहिम बिल्कुल होश नहीं आ रहा क्योंकि ये सोया। इब्राहिम किधर आए हैं? इब्राहिम ठीक 4 महीने बाद बाहर आया और ये देखें, ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, ये पार्क में बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं। लोग वैसे कम आए हुए हैं लेकिन हैं का मतलब के सुबह सुबह जो आ सकता था। और अभी एक्चुअली लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से मतलब लॉकडाउन से मरा कि लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है, टाइम तो उसका कर्फ्यू का ख़त्म हो चुका है, ओपन हो गया, लेकिन वो पीरियड जो है ना अभी तक वो चल रहा है। तो लोग जाहिर बात है, लोग वेट कर रहे होते हैं कि सुबह 5 बजे लॉकडाउन कर्फ्यू ख़त्म होगा और फ़ौरन बाहर निकलना है हमारी तरफ। हम लोग भी 5 बजे फ़ौरन निकले हैं इंजॉय करने के लिए, सुबह की सैर करने के लिए और बच्चों को ज़रा थोड़ा सा घुमाने के लिए। और मुझे रियली, मैं वाकई इंजॉय कर रही हूँ। तो जी हम लोग कहीं पे अपना बैठने का इंतज़ाम करते हैं। मैं चाय वगैरह लेकर आई हूँ, बच्चों के लिए जूस लेकर आई हूँ ताकि हम बैठ के उसको पिए और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको समंदर का नज़ारा भी करवा। जी व्यूअर्स, ये देखें अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कुवैत का इस वक्त समंदर ठाठे मारता हुआ हाँ जी, इस वक्त काफ़ी पानी, हाँ काफ़ी हाइट पे है
वैसे इतना पानी होता नहीं है, और ये देखें इधर से ये सूरज की किरणें निकली हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत मंज़र लग रहा है। ये देखें वो सामने इब्राहिम के प्राइम और बैठने का इंतज़ाम किया है, वहाँ बैठ के हम चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे। और ये देखें यहाँ पे ये बिल्ली भी आई हुई है। इब्राहिम इब्राहिम, ये एक्चुअली मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इस तरफ है ना, ये श्वेतपोर्ट है, जो क्या नाम मतलब के जो कार्गो का सामान आता है ना, तो ये वो पोर्ट है जहाँ पे सारे बड़े बड़े शिप आते हैं, वो सामने खड़े भी हैं और हो सकता है कि कुछ देर तक आ भी जाए। वो सामने एक आ रहा है, काफ़ी दूर है, लेकिन जब पास आएगा तो मैं आपको उसकी वीडियो दिखाऊँगा। अभी चल के वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। ये बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क बना हुआ छोटा सा, अभी बच्चे इधर जाएंगे और हम बॉल लेके आए हैं, मैं और यूसुफ अभी बॉल के साथ खेलेंगे। बहुत मजा आ रहा है जी गाइस, अब बहुत मजा आ रहा है बच्चों को आज, क्योंकि काफी दिनों बाद ये बाहर निकले हैं और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। एक्चुअली लाइफ जो बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी कोरोना की वजह से, और लोग चाह रहे थे कि ये देखें ना, इनके बाल भी बड़े हुए हैं। इब्राहिम को देखो क्या कर रहा है, सब दुकानें बंद हैं। ये देखें, जरूरी बात ये है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और शेयर करना है। और ये देखें आप सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हम आपको कुवैत के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन मज़ीद बिल्कुल आप बल्कि आप लोगों को दिखाने की वजह से, यानी कि आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग नई नई जगह पे जाकर उनको एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे हो सकता है हम लोग भी नहीं कभी गए, या हम लोगों ने उसको डिस्कवर नहीं किया। तो इस शौक में कि हमारे जानने वाले, हमें प्यार करने वाले, और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमें व्यूज़ हैं जो हमारे देखने वाले, और उनको हम नई से नई जगह दिखाएँ कुवैत की। तो ये सबके लिए नॉलेज होगा, बल्कि बहुत हो सकता है इंफॉर्मेटिव जगह हों। जी जी बिल्कुल, हम काफ़ी जो ये एक्चुअली बहुत खूबसूरत मुल्क है, और ये जो मतलब के जो आने वाले दिनों में जो हम व्लॉग बनाएंगे इसकी हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर करेंगे जी। और काफ़ी मज़े का ये कंट्री है, और यहाँ पे लाइफ कितनी एक्सपेंसिव है, फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे कैसे रहा जाता है। अगर आपको फैमिली यहाँ पे लेके आनी है, और जो लोग बैचलर रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं, और फैमिलीज़ के साथ कैसे रह रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे। किसी दिन बैचलर्स लाइफ भी दिखाइएगा कि जो बैचलर्स हैं, आपके काफ़ी फ्रेंड हैं जो कि रहते हैं अलग बगैर फैमिली के यहाँ पर रहते हैं, आप उनके साथ जाकर किसी दिन वीडियो बनाएं और उनको दिखाएं कि वो खुद कैसे कुक करते हैं, अपने घर को कैसा रखते हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। जी जी वो भी सारा मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि मेरे चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पे क्लिक कर दें, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बिल्कुल, और कोशिश किया करें कि इसको आगे से आगे शेयर किया करें, और मतलब ये आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी हमें हमेशा, क्योंकि हमें देखने वाले जितना इस चीज़ को पसंद करेंगे या हमें बताएंगे, ये हमारी भी हिम्मत बढ़ेगी इससे कि हम। ये देखिए मैं आपको एक क्यूट वीडियो देखी, ये देखिए ये देखिए ये अहमद क्या कर रहा है, ये क्या बांधा हुआ है साथ में इन्होंने, यूसुफ मजे की बात बताता हूँ। जहाँ मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ, जहाँ पे मेरी 10 साल पहले अम्मी आई थी ना, और जहाँ पे वो बैठी थी, मैं आपको जगह भी दिखाता हूँ। बड़ी मज़े की जगह है, बड़ी प्यारी जगह है, जैसे एक जैसी, लेकिन वहाँ पे मेरी अम्मा बैठी थी, तो इसलिए वो मुझे जगह ज़्यादा प्यारी लगती। तो फिर आपको दिखाते हैं, ये देखें बिल्कुल हम उसके पास पहुंच गए, और ये वाली जगह जो है ना, ये वाली जगह, ये यहाँ पे अम्मी बैठी थी, हम पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी थी आज से 10 साल पहले। और ये वीडियो मेरी अम्मी भी देखेंगी, और अम्मी को ये व्यू मैं दिखाता हूँ। अम्मी जी ये देखें, ये वो व्यू है जहाँ पे आप सर्दियों में आप आई थी, जनवरी फरवरी था ना, हाँ जनवरी फरवरी में आई थी अम्मी यहाँ पे, और जब अहमद हो पैदा हुआ था, जब अहमद पैदा हुआ था। अहमद इधर आए,
जब अहमद पैदा हुआ था, इसका मतलब 10 साल नहीं 12 साल हो गए इस बात को। तो अभी माशाल्लाह ये 11 साल का हो गया मेरा शहजादा, और ये मेरा छोटा शहजादा है 8 साल और यहाँ पे अम्मी बैठी थी और बड़ा मज़ा आया था। दोबारा वीज़ा नहीं मिल सका, बंद हो गए थे। और फिर मज़े की बात के मैंने जब अम्मी को बताया ना, अम्मी यहाँ पे एक रूल आ गया है। अम्मी ने एक दो दफ़ा मुझे कहा कि मेरा भी बहुत दिल था कि अम्मी हमारे पास आएँ, लेकिन हुआ ये कि इन्होंने कुवैत वालों ने रूल ऐसा कर दिया कि 60 ईयर्स अबव की विज़िट वीज़ा बंद कर दिया। और जब मैंने अम्मी को ये बताया तो अम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा। वो क्यों डांटा, वो मैं बता, गालियाँ निकाली यानी कि अम्मी ने मुझे कि ये कैसे लोग हैं कि बूढ़े लोगों को कुवैत में नहीं आ सकते। मैं कहा अम्मी जी इनके रूल्स हैं, आप परेशान हो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप ज़रूर आएंगे। तो चले अब आपको दिखाते हैं, सामने कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं तो देखते हैं उन्होंने कुछ पकड़ा है या नहीं पकड़ा। तो आपको मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलवाता हूँ जो इस मुल्क को साफ रखते हैं बहुत ज़्यादा। क्या हाल चाल है, कैसे हैं, कैसा जा रहा है आपका काम वगैरह? तो गाइज़ ये वो लोग हैं जो, ये देखें अभी यहाँ पे लोग कितना ख्याल करते हैं। अभी एक फैमिली बैठी हुई है, वो इनको चाय और बिस्किट दे के गई है। और भाई साहब क्या हाल चाल है आपका, कहाँ से हैं, कहाँ से हैं? विन बंगाली हिंदी बंगाली हाँ, ये बांग्लादेश से हैं और ये यहाँ पे काम करते हैं सफाई का, ये कंपनी की तरफ से हैं। ये शिरके की तरफ से हैं, कंपनी की तरफ से, और ये सफाई वगैरह करते हैं इस पूरे एरिया की। कब से ड्यूटी यहाँ पे आप? लगता है कि इनको ना अरबी आती है ना हिंदी आती है, बांग्लादेश बस हाँ, बांग्ला भाषा। शुक्रिया, गुड, थैंक यू। तो गाइज़ ये लोग जो है ना, ये बहुत मेहनत करते हैं, पूरे धूप में काम करते हैं। और ये देखें क्या नाम, यहाँ पे फैमिली है जो हैं इनको जो खाना लेके आती हैं वो भी इनको काम करते हुए देख के फिर इनको अपनी तरफ से देते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो बस अल्लाह ताला ने रिज़क लगाया हुआ है, जिधर जिधर रिज़क लगा हुआ है लोगों का, उधर उधर लोग पहुंच जाते हैं। तो अल्लाह ताला सबके रिज़क में इजाफा फरमाए। ये देखें गाइस क्या चाल के साथ ही पकड़े हैं। अच्छा, असल में अभी छोटी आई होंगी ना, अभी चलते हैं उधर जहाँ पे फिशेस वगैरह पकड़ रहे हैं और देखते हैं कि इन्होंने कुछ पकड़ा है कि नहीं। जिंदा है ये, जिंदा है, जिंदा है। हाँ, इसको पानी में फेंक देते हैं ना, इसको पानी में फेंक देते हैं। अहमद ये जहाँ पे ये ग्रीन है इस पर पाँव नहीं रखना, स्लिपी है ये फिश हमें देखी वहाँ पे जिंदा है, अभी हम इसको पानी में फेंक देते हैं, हो सकता है कि थोड़ी सी इसमें। ये देखें गाइस ये फिशेज वगैरह कर पकड़े। हाँ, ये मैं एक दफ़ा घर में भी लेके आया था, जब मैंने पकड़ी थी ना, ये ये ऐसे फेंकते हैं, अभी ये देखते हैं कोई फिश आती है कि नहीं। ये देखें जाल इन्होंने फेंका है, अभी कोई फिश आई है कि नहीं आई। Yes, very good. ये देखो माशाल्लाह। ये देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं इधर, लोग नहा भी रहे हैं वहाँ पे। तो बच्चों का आज प्लान था नहाने का, लेकिन कोई भी नहीं आज, नहीं इंशाल्लाह फिर दोबारा हम नहाने के लिए। तो ये व्यूज़ देखें गाइस कितना खूबसूरत है। ये देखें छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। चलें गाइस अब दूसरी तरफ चलते हैं और फिर हम आपको दूसरा व्यू दिखाते हैं। तो गाइस ये यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट है जहाँ पे नहाने का एरिया, जिधर हम गए थे वो पार्क है, और ये भी बिल्कुल उसके करीब ही है जहाँ हम थे वो सामने हैं, और ये इधर लोग नहाते हैं, लोग बैठे हुए नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं।
और अल्लाह का शुक्र है कि मामूल के मुताबिक ज़िंदगी हो रही है कुवैत की, और काफ़ी अच्छा मंज़र है। ये बच्चे बैठे हुए हैं और अच्छा आप वीडियो बना रहे थे जब आप इतने दूर जा रहे हैं? हाँ, मैं सोच रही थी कि कमर दूर क्यों जा रहे हैं, मुझे लगा था रास्ता भूल गए, हमने इधर को जा रहा था आप उधर को जा रहे हैं। तो बस अभी हम जाने की तैयारी निकलते हैं क्योंकि इब्राहिम बहुत अनकंफर्टेबल फील हो कर रहा है, तो सच्चे है नाश्ता कर जी अभी नाश्ता लेते हुए जाएंगे यूसुफ, क्योंकि जब सुबह हम निकले हैं तो तब तो बल्कि हम दिखाएंगे, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं दाल चपाती, एक स्पेशल इनका रेस्टोरेंट है यहाँ से, ये बड़े शौक से लेते हैं। तो गाइस अब चलें, अहमद यूसुफ इब्राहिम इब्राहिम ऑलरेडी रेडी है, रेडी है इब्राहिम, एक्चुअली सुबह इतनी जल्दी उठता नहीं है लेकिन आज उठा हुआ है, नींद में है वो और फुल नींद में है और मज़ा भी इंजॉय भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इब्राहिम हम लोग ऐसे पकड़ के ले आए थे जब के आराम से सुबह। हाँ तो गाइज आपको हमने ये पूरे आज के सी साइड पे जो हमारा इधर पार्क है शोएक वाली साइड पे आपको चलो बेटा, तो इंशाल्लाह आप सबसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब लाइक टर्न ऑन नोटिफिकेशन शेयर बाय बाय, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। Thank you.